Amrjit, what's up? Hello. कैसे हो? Good, good bro. अच्छा हूँ, great, एकदम great. आप कैसे हो? बस बढ़िया. क्या चल रहा है? अच्छा चल रहा है. लॉकडाउन है तो मैं फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा है और काफी अच्छा चल रहा है. एंजॉय कर रहा हूँ फैमिली के साथ. और आप बताओ कहाँ पे घर एग्जैक्ट? मैं बढ़िया हूँ यार, मेरे से कोई पूछता नहीं इसलिए थैंक यू. अभी बेसिकली मैं अभी चंडीगढ़ में हूँ. तो मैं यहाँ पे मैं कुछ काम था यहाँ पे चंडीगढ़ पे, तो इसके लिए यहाँ पे रुका हुआ हूँ. तो काफी चंडीगढ़ भी एंजॉय कर रहा हूँ. लेकिन चंडीगढ़ क्या सीन है क्योंकि मैं चंडीगढ़ से ही हूँ. ओ चंडीगढ़ यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले चंडीगढ़ फुटबॉल अकेडमी यहाँ पे कोचेस और स्कूल ये सबसे भी स्पेशली उनसे मिलने आया था यार चंडीगढ़ पे. तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे रुका हुआ हूँ और मीन्स ये सब प्लान बना के आया था. और मेरा मम्मी का भी तबीयत खराब था, मीन्स उनको स्टोमक प्रॉब्लम था, गैस्ट्रिक का, तो उनका ट्रीटमेंट भी यहाँ पे करवाने के लिए आया था. तो लॉकडाउन की वजह से ये सब एटलीस्ट मेडिकल ये टेस्ट वगैरह तो हो गया. अभी काफी बेटर है मेरा मम्मी का भी. तो अभी मणिपुर जाने के लिए सोच रहा था, मीन्स घर बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ. लेकिन लॉकडाउन की वजह से जा नहीं पा रहा है. अभी से मॉम के साथ हो? मतलब अपनी मम्मी के साथ ही यहाँ पर भी? मेरा मम्मी और मेरा भाई के साथ हूँ, एल्डर ब्रदर है मेरा, यहाँ हम तीनों यहाँ पे. उनकी तबीयत है ना लेकिन? हाँ अभी एकदम ग्रेट है, अभी बढ़िया. अच्छा लगा, थैंक यू भाई. और बताओ आपके घर में कौन कौन है? आपने कहा कि भाई है आपका, तो फिर फैमिली कैसी है? भाई बहन है कोई अकेले मतलब या फिर कजन है, क्या है? मेरा फैमिली में मेरा एल्डर ब्रदर है, भाई है, तो उसके बाद मेरा सिस्टर है, तो मैं सबसे यंगेस्ट हूँ. और मेरा मम्मी है, मेरा पापा, हाँ, तो मेरा सिस्टर भी है. तो मतलब बेसिकली दो ब्रदर और आप सबसे? हाँ यस यस भाई. बढ़िया. तो आपके मॉम एंड डैड क्या करते हैं? मॉम एंड ज्यादा कुछ मीन्स फार्मर करते हैं. मेरा फादर कारपेंटर भी है, मीन्स एज ए फार्मर भी है और कारपेंटर भी है. और मेरा मदर हाउसवाइफ है. तो ज्यादा तो आप फुटबॉल खेलना कैसे शुरू किया? उनको इंटरेस्ट था मॉम डैड को या फिर अपने आप ही शुरू हो गया या फिर कोई बड़े भाई खेलते थे फुटबॉल? मॉम डैड को मैं पहले से सपोर्टिव है और मेरा मीन फुल्ली मेरा सिस्टर और ब्रदर सब मीन्स फुली सपोर्ट करते आ रहे हैं. मैंने मेरे भाई को खेलते हुए देखा, मीन्स उन्होंने पहले चंडीगढ़ आके चंडीगढ़ स्टीफन स्कूल में उन्होंने खेला. तो उन्होंने फिर अंडर 16 अंडर 19 इंडिया भी रिप्रेजेंट कर चुका है नेशनल टीम के लिए. तो फिर मैं उनको देख के मोटिवेट हुआ और ऐसे मैं थोड़ा धीरे धीरे खेलने लगा उनको. और उनका जब वापस आते घर पे, तो जब हॉलीडे होता है 1 मंथ का, तो उनके नेशनल टीम का जर्सी मीन्स पहनता था, लेके आता था. तो उनके पीछे नाम लिखा होता है, उमाकांत और नंबर, और आगे जो यहाँ पे इंडिया का जो लोगो है. तो मैं देखा कि ये तो काफी अच्छा है, मीन्स ये नाम वाला जर्सी मैंने कभी नहीं देखा है. तो मैं उनको पूछा कि मीन्स आपको कैसे मिला? तो उन्होंने बताया कि मैंने इंडिया रिप्रेजेंट किया है, तो उसकी वजह से मुझे ये जब इंडिया आप रिप्रेजेंट करेगा, इंडिया के लिए आप खेलोगे, तब आपको ये जर्सी आपको मिलता है स्पेशली. तो ये दिमाग में थोड़ा धीरे धीरे ये सब आने लगा. तो मुझे काफी एक्साइटेड हुआ कि फुटबॉल में ज्वाइन कर, फुटबॉल खेलने के लिए स्टार्टिंग और जर्नी में इसको ज्वाइन करने के लिए. तो धीरे धीरे ऐसे ही ट्रेनिंग मेरे जैक्सन का फादर, जो मेरा कजिन ब्रदर है जैक्सन, तो उनका फादर हम दोनों को ट्रेन करवाते हैं. मीन्स एवरी मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम्स ट्वाइस तो ट्रेनिंग करते हैं. तो उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे आया हूँ. उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया, मेरे अंकल ने भी. तो जैक्सन को भी, मैं भी जैक्सन भी केरला ब्लास्टर में खेल रहा है, मैं जमशेदपुर में खेल रहा हूँ. तो उनको भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि उनका बच्चा अभी ISL क्लब में खेल रहा है और नेशनल टीम में रिप्रेजेंट कर रहा है. तो बहुत प्राउड फील होता है. मुझे मालूम नहीं जैक्सन और आप इतने क्लोज थे, मुझे नहीं मालूम था ये बात. तो एग्जैक्टली रिलेशन क्या है आपने कहा कजन है, लेकिन कौन से साइड से कजन है? मॉम साइड, डैड साइड? और मेरा जो मेरा मॉम का डैड है ना, तो उनका मींस ब्रदर्स है, जो मेरा मॉम का डैड और उनका पापा का डैड मींस दोनों भाई है। तो समझा, इंटरेस्टिंग। तो आप बेसिकली जैक्सन ने पहले फुटबॉल खेलना शुरू किया था या आपने शुरू किया था, या दोनों साथ में खेल रहे थे बचपन में? दोनों साथ में स्टार्टिंग किया, दोनों साथ में किया। मीन जहाँ पे भी जाते, जहाँ पे भी ट्रेनिंग जाते, मीन्स हम दोनों ने, जैसे कि मणिपुर में अंडर 19 अंडर 16 का जो भी ट्रायल्स होता है वहाँ पे जाता था। मीन्स अंकल बोलता था कि आप बड़ों के साथ मीन्स सीनियर प्लेयर के साथ ट्रेन करोगे या उनके साथ इंटरेक्ट करोगे तो आपके लिए एक्सपीरियंस होगा, आपके लिए कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ट्रायल जाने से पहले बूट अच्छे से धोता था और क्लोथ्स की सब धो के रहता था। मीन एक मैच की तरह प्रिपेयर होके जाता था। तो बहुत एंजॉय किया, तो बहुत ज्यादा मिस करता हूँ दोस्त मीन्स। अभी बहुत ही ज्यादा मिस फील होता है कि आप बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हो उस टाइम पे। एक सीरियसनेस था मीन शुरू से ही। ट्रायल जाता था तो एक फुल मीन पूरा फुल किट के साथ, फिर उनको अच्छे से धो के अच्छे से फोल्ड करके रखना, प्रिपेयर होके, पानी, ये सब, तो बड़ा मजा आता है। तो मॉम डैड को हमेशा से इंटरेस्ट था, मतलब ऐसा नहीं था कि यार पढ़ो लिखो और ये सब करो, मतलब ऐसा ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला मॉम डैड ने, खेलना है तो खेलो ऐसा वाला सीन था? हाँ, अगर खेलना है तो खेलो, अच्छे से मन लगा के खेलो। मीन्स अगर जहाँ पे आप कुछ प्रोफेशन में जाते हो या स्टडी या कुछ भी फील्ड पे आप जाते हो, तो मेरा मम्मी और मेरा पापा कहते हैं कि जहाँ पे आप जाना चाहते हो, जिस प्रोफेशन में जाना चाहते हो, आप उस चीज को एंजॉय करो और उसको आप पाने के लिए मीन्स एक उस चीज में एक स्पेशलिस्ट होने के लिए जाओ, वहाँ पे एंजॉय करना भी बहुत जरूरी है। तो ऐसे एडवाइस मुझे देता रहा और मैंने भी फुटबॉल को एंजॉय किया। मीन्स जब मैं एंजॉय कर फुटबॉल को देखता हूँ और ग्राउंड पे जाता हूँ, मैं एक मेरे अंदर कुछ एक फीलिंग आता है कि मैं आज एंजॉय करने वाला हूँ फुटबॉल को। तो अच्छा, एक मेंटली भी एक फ्रेशनेस आता है और एक अंदर से भी एक मोटिवेशन आता है कि अमरजीत, आप जो आपको फुटबॉल के लिए बहुत ज्यादा पसंद है तो आपको मिल रहा है, तो आप इसको इस चीज को एंजॉय करो। तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ फुटबॉल को और अभी बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रहा हूँ आगे जाने के लिए। वो दिख रहा है यार, अमरजीत, नो डाउट दिखता है वो हमेशा से, काफी टाइम से मैं देखता हूँ, अब तो 4 साल होगा आपको खेलते हुए देखते हुए। तो thank you, मुझे thank you, और आगे जा। थैंक यू। मणिपुर के अंदर, यस ब्रदर, मणिपुर के अंदर कैसा, मतलब सब इतने अच्छे फुटबॉल प्लेयर्स कैसे निकलते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। हमेशा से रेगुलरली अच्छे प्लेयर्स निकलते हैं, तो आपको ऐसा क्या लगा कि वहाँ पे क्या सीन है एग्जैक्टली? ट्रेनिंग अच्छी है या फिर कोई एटमोस्फेयर ही अच्छा है कि बच्चों को खेलने का मन होता है तो बचपन से खेलना शुरू कर देते हैं, क्या लगता है? जो मुझे लगता है मणिपुर में मीन्स एक पहले से एक टैलेंटेड मिल जाता है। टैलेंटेड मीन्स अगर आप कोई कुछ भी फील्ड में जाता है, हॉकी, फुटबॉल, बॉक्सिंग, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, आप कुछ भी स्पोर्ट पे जाते हो तो एक उस पर मीन्स एक हिसाब से बहुत होनेस्टली काम करता है उस चीज को। मीन्स मुझे ये चीज पे आगे बढ़ना है और मुझे ये चीज मुझे पाना है, तो उसके मीन्स होनेस्टली और भी सिंसियरली बहुत ज्यादा मीन्स हार्ड वर्क करते हैं। ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्किंग प्लेयर्स लोग बहुत ज्यादा है मणिपुर में, तो सब उस चीज को एंजॉय करता है और मीन्स आगे जाने के लिए सोचता है कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए सोचता है प्लेयर्स लोग, तो एक टैलेंटेड है सब। मीन्स जिस आप उनको बोलोगे कि आप ये करो वो करो वो लोग आराम से कर लेगा। मीन थोड़ा सा टाइम लगेगा उस टाइम को मीन्स फिक्स होने के लिए, लेकिन वो लोग जल्दी से करेगा। मीन्स एक जैसे भगवान गिफ्टेड है, मीन्स गॉड गिफ्टेड है। तो मीन्स ज्यादा ऑनेस्टी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मीन हर एक चीज पे आप कुछ काम पे आप जाना चाहते हो उस फील्ड पे, तो ऑनेस्टली बहुत ज्यादा जरूरी है और बिलीव, अपने आप को बिलीव करना, ये सब मेंटेलिटी मणिपुर लोगों पे है। तो मैं सब एंजॉय करता हूँ अभी। अभी तो मीन्स आफ्टर अंडर 17 वर्ल्ड कप के बाद फुटबॉल में तो बहुत ज्यादा वहाँ पे बहुत क्रेजी, पहले से ही क्रेजी है। लेकिन अभी मुझे दिख रहा है कि और भी प्लेयर्स लोग, जैसे कि यूरोप में पेरेंट्स लोग आते हैं, उन कार पे लेके आता है तो उनको छोड़ के जैसे कि एक स्कूल की तरह, तो उनको मीन्स देखता है वहाँ पे कोचेस लोग ट्रेनिंग क्या कर रहा है उनके बच्चे लोगों के साथ। तो सेम चीज मणिपुर में भी हो रहा है, मीन्स प्लेयर्स लोगों को ड्रॉप करने आता है तो उन ट्रेनिंग करके फिर उनको पिकअप करके फिर जाता है। तो अच्छा लगता है हमको भी कि मणिपुर में फुटबॉल में बहुत सारे इंटरेस्ट आ रहा है, तो उनको भी हमको लगता है कि इंडियन फुटबॉल में भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और वी मीन्स अभी तो क्वालिफाई राउंड वर्ल्ड कप के लिए मीन्स सबके ड्रीम है, फैंस हम लोग भी प्लेयर्स भी बहुत ज्यादा ईगरली हम लोग वेट कर रहे हैं कि हम लोग वर्ल्ड कप कब खेलेगा, उसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आने वाले फ्यूचर में भी प्लेयर्स लोग बहुत है मणिपुर से भी, तो अभी कंपटीशन ज्यादा है मीन्स अभी यंगस्टर बहुत आ रहा है ग्रासरूट लेवल और बेबी लीग में भी बहुत सारे प्लेयर्स आ रहे हैं टैलेंटेड प्लेयर्स, तो अभी हमारे लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है आने वाले फ्यूचर में। तो कंपटीशन अगर कंपटीशन होंगे तो फिर बहुत ज्यादा मीन्स टफनेस ये सीरियसनेस डिसिप्लिन वाइज मीन्स अगर मैंने यहाँ पे कुछ चीज वहाँ पे मिस किया तो मेरी जगह पे और कोई प्लेयर आ सकता है, तो उसके लिए पहले जो मेहनत करे उससे भी डबल हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वो सब चीज बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा फ्यूचर में भी। ट्रू। अंडर 17 वर्ल्ड कप बहुत बड़ा ब्रेक था आपके लिए मेरे हिसाब से, ऑब्वियसली जब वो तो बहुत बड़ी न्यूज़ होगी कि इंडिया होस्ट कर रहा है और कॉलर मिल रहा है। ऑब्वियसली मींस वो एक्सपीरियंस तो कभी मींस लाइफ टाइम मींस क्या एक्सपीरियंस था वो अंडर 17 वर्ल्ड कप, क्या एटमॉस्फेयर था, क्या फैंस, क्या मजा आता था मीन्स ट्रेनिंग और सब मीन्स कोचेस क्वालिटी और टीम का एटमॉस्फेयर, ये सब मीन्स बहुत ज्यादा एंजॉय किया है, बहुत ज्यादा मेहनत भी किया। अनफॉर्चुनेटली हम 3 मैचेस हम लोग मेहनत किया मीन्स बहुत ज्यादा हार्ड वर्क और 100% दिया, लेकिन क्वालिटी फर्क है मीन्स उनपे और इंडियन फुटबॉल में। तो मीन्स उनका ग्रासरूट लेवल और बेबी लीग से पहले से 5-6 ईयर्स ओल्ड मीन्स 5-6 ईयर किड्स वो लोग मीन्स शुरू करते हैं कि फुटबॉल कैरियर पे मीन्स प्रोफेशनली वो आता है। हम लोग जो मुझे लगता है हम लोग मीन्स थोड़ा सा टाइम 8, 9, 10 या कोई प्लेयर्स लोग मीन्स आफ्टर 10 स्टैंडर्ड के बाद में भी खेलता है फुटबॉल, तो ये सब मीन्स ग्रासरूट लेवल पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और जैसे मैंने बताया उनको पहले भी कि वो प्लेयर्स लोग वहाँ पे उनका पेरेंट ड्रॉप करने आता है, पिकअप करने जाते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर अभी जस्ट इंडिया में आया है मुझे लगता है। तो उस चीज के लिए अब लेकिन हम लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत किया और AFF ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और साई ने भी, क्योंकि जितना हम लोग को एक्सपोजर ट्रिप और फ्रेंडली मैचेस और यूरोप नॉर्थ अमेरिका ये सब चीज में हमको मिला है, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा लकी है कि टॉप टीम्स और टॉप कंट्रीज और बेस्ट क्लब्स के साथ मैचेस खेलना हमारे लिए बहुत ज्यादा लकी है, क्योंकि उससे मेच्योर होना मीन्स फुटबॉल के बारे में और भी एक्सपीरियंस लेना और भी मीन्स उसके अंदर और भी जाना कि मैचेस अगर आप मैचेस खेलते हो तो ट्रेनिंग और मैचेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो आप ज्यादा जितना मैचेस खेलोगे आपके लिए भी ग्रो होने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो बहुत ज्यादा वो चीज फैंस 65,000 के फैंस उनके सामने खेलना, ओह क्या जब इंडिया करके चलाता है तो घुस बम निकल आता था। तो अंदर से मोटिवेटेड था, थकता नहीं था वो, कभी टायर्ड नहीं होता था। बहुत एंजॉय किया अंदर से वर्ल्ड कप, इतना फोकस भी था क्योंकि आप लोग बड़े यंग थे उस टाइम पे। और मुझे यही लग रहा था कि और कोई तरीका होता नहीं कंपेयर करने का, आप यही सोच सकते हो कि मैं इस टाइम पे इतना यंग था और इतना अटेंशन दिया जा रहा था उस टीम के लिए कि हम इंडिया फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप खेलने वाली है, और टीम पे इतना अटेंशन था, कमर्शियल्स हर चीज का फोकस बहुत ज्यादा था, फैंस भी इतने नंबर में है जितने कभी अपने देखे नहीं थे इंडिया में। तो ऑब्वियसली प्रेशर तो बहुत होगा। ट्रेनिंग में कैसा था? वैसे नवाज का कमेंट आया था तो उसको हाय बोलो, शायद देख रहे हैं नवाज। हाय नवाज भाई, वेरी हम्बल गाय, रिस्पेक्ट टू यू। यू टू नवाज मेरा बेस्ट फ्रेंड है। यस नवाज भाई, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड हैं, बहुत एंजॉय करता हूँ नवाज उनके साथ, नवाज, राकीब, जसीर, बहुत सारे प्लेयर्स, सुरेश, बोरिस, निकोलाई, स्पेशली जैक्सन। हम लोग मीन्स एरोस पे क्या मजा आता था एक ग्रुप लॉन्ग डम्बा हम लोग बस अभी मैसेज करे व्हाट्सएप पे, तो बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ उन सबको। तो अभी एक्सपीरियंस आप क्या बता रहे थे? हाँ नहीं, मेरे को पहले अभी ये बताओ, तो दोस्तों की बातें छेड़ी दी हैं, तो सबसे टैलेंटेड कौन सा था? सबसे टैलेंटेड लड़का कौन था उस टाइम पे? टैलेंटेड मींस ऑफ द फील्ड और ऑफ द फील्ड टैलेंट्स भी बता दो, बट ऑन द फील्ड सबसे ज्यादा टैलेंटेड कौन था? टैलेंटेड तो मींस हमारा बोरिस था। बोरिस क्या सिंग मींस गाना सिंग करता था और मीन्स डांस भी अच्छा करता है बोरिस, और सुरेश, वो दोनों तो मीन्स हर बार लड़ता रहता है, एक दूसरे को छेड़ता रहता है मजा आता है उन दोनों को देख के। और अभी फिर नवाज में थे, धीरज, मीन्स हम एक साथ मीन्स जैसे भी नरेंद्र हो गया और अनवर अली और प्रभसुखन, मीन्स हम एक फैमिली की तरह बन गया है, फैमिली की तरह है। मीन्स वर्ल्ड कप के पहले से 2 इयर्स वर्ल्ड कप के जब प्रिपेयर हो रहा था, उससे भी हम एक साथ ग्रुप है, तो फिर आफ्टर वर्ल्ड कप एरोस पे एक साथ है, तो मीन्स एक फैमिली जैसा फीलिंग आना चाहिए। मीन्स वो फीलिंग मुझे लगता है अभी कहीं पे भी नहीं मिलेगा। क्या क्या फीलिंग था, क्या मीन्स एक फैमिली की तरह कोचेस, लुइस नॉर्टन और फ्लोइचर और हमारा बहुत सारे कोचेस है, तो उनके अंदर ट्रेन किया, फिर बहुत एक्सपीरियंस से भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिला। महेश सर स्पेशली, तो क्या एक पर्सनैलिटी क्या था उनका बहुत ज्यादा डिसिप्लिन कोच है, मीन्स बहुत ज्यादा है, मीन्स उनका एक्सपीरियंस प्लेयर्स लोगों को देने के लिए हर टाइम, एवरी सेकेंड, एवरी टाइम वो मीन्स रेडी रहता है कि हम लोग कुछ भी पूछते हैं, तो मीन जब हम थोड़ा सा पूछते हैं तो वो ज्यादा बता देता है, मीन्स हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो फ्यूचर में भी मुझे लगता है बहुत सारे बेनिफिट मिला है उससे हमको, और बहुत सारे प्लेयर्स को भी ऑब्वियसली मिला होगा। तो बहुत ज्यादा एंजॉय करता है एरोस टीम, वर्ल्ड कप टीम। तो उस टाइम कभी फिर टाइम लगता है कभी नहीं आएगा आप लोगों के पास 2 कोचेस थे एक्चुअली। सबसे पहले जो कोच आए थे वो निकोलाई एडम आए थे, उसके बाद लुइस नॉर्टन डेमर। तो निकोलाई एडम के साथ कैसा था काम करना? अच्छा था, मीन्स थोड़ा एग्रेसिव था, और उनके साथ ट्रेन करना मीन्स उन्होंने भी बहुत ज्यादा मीन्स हमको सिखा के गया, मीन्स इंडियन फुटबॉल के बारे में उनको भी पता था, तो मीन्स एक्सपीरियंस था, मीन्स अच्छा कोच था, और एंजॉय किया। मीन्स एक हर एक कोचेस का अलग गेम स्टाइल होता है, अलग ट्रेनिंग स्टाइल, अलग मीन्स सब कुछ अलग होता है। तो मीन्स एवरी कोच से जो अच्छा चीज है हम लोगों ने, स्पेशली मैंने उनसे सीखा है, लुइस नॉर्टन और निकोलाई एडम, मीन्स उनसे जो मेन पॉइंट, मेन चीज जो हम मेरे फ्यूचर में भी जो काम आ सके, मीन्स वो सब चीज मैंने सीखा है उनसे। और इंडियन कोचेस भी बहुत अच्छे अच्छे कोचेस है, तो उनसे भी बहुत ज्यादा कुछ अभी सीख रहा हूँ, और कंटिन्यूसली। अभी इगोर स्टेमिक है, तो बहुत ज्यादा मीन्स बहुत अच्छा कोच है, मीन्स एवरी यंगस्टर को मीन्स अगर आप परफॉर्म करेगा, मीन्स सो प्रूफ करेगा आप उस चीज पे, आप उस पोजीशन में बेटर हो, बेस्ट हो, तो मीन्स आपको ऑब्वियसली आपको मीन्स चांस देगा। अगर वो चांस आपको मीन्स लेना है और नहीं लेना है आपके ऊपर है। ये प्लेयर का टाइम है अभी, उसको बाहर बिठाओ या उसको कैंप पे बुलाओ जस्ट, और उसको कैंप पे रखो, ट्रेन करो, फिर उसको वापस भेजो। मीन्स वो चीज वो इगोस्टेमिक के अंदर नहीं है। मीन वो क्या चाहता है कि अगर प्लेयर परफॉर्म करता है, मीन बेस्ट देता है, तो टीम के लिए वो सोचता है कि ये टीम के लिए, हमारे टीम को हेल्प कर सकता है, टीम के लिए बेनिफिट हो सकता है। तो इसके कारण वो प्लेयर्स को चांस देता है, नरेंद्र में और बहुत सारे यंगस्टर को भी चांसेस दिया है। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है कि ऐसे कोच हमको मिला है। तो अंदर से एक मोटिवेट होता है कि कोच मुझे चांस दे रहा है तो मैं 100% देने के लिए और भी ऑफ द फील्ड मेहनत करने के लिए मैं ऑलवेज अपने आप को रेडी रहता हूँ कि अभी कुछ भी थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं उसकी उस चीज जो मेरे अंदर जो वीक पॉइंट है उनको मैं दे के एनालाइज करके और भी बेटर प्लेयर बनने के लिए और कोचेस को भी एक ट्रस्ट मीन्स अगर आप अच्छा खेलते हैं तो उनको भी बिलीव आता है, ट्रस्ट आता है कि ये प्लेयर टीम के लिए कुछ कर सकता है, कुछ दे सकता है। तो ये सब चीज के लिए भी मेहनत कर रहा हूँ, हर वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है और हम्बल भी बहुत ज्यादा, डिसिप्लिन, ये सब चीज बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से। तो ये सब चीज आपको आगे लेके जा सकता है, तो मैं ये सब चीज को मैं फॉलो कर रहा हूँ तो एंजॉय भी कर रहा हूँ साथ साथ में। अच्छी बात है, एंजॉय भी करना चाहिए अमरजीत। yes, सबसे आप तो मींस फ्री टाइम तो आप एंजॉय करता है। आपके फेस में दिख रहा है आप एंजॉय कर रहे हैं। आपकी स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है, आप कहाँ से निकल के अभी कहाँ पे हो, आपकी स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है तो एंजॉय तो करना ही है। यस मींस बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेसेस। यस, नेशनल टीम डेब्यू का जब पता लगा था तो वो कैसी न्यूज थी? ऑब्वियसली इगोर स्टिमैच के अंदर मिला नेशनल टीम डेब्यू, तो न्यूज किसके थ्रू मिली थी आपको? न्यूज असिस्टेंट कोच के थ्रू मिला था, क्योंकि जब हम लोग मैच खेल रहा था क्यूरो साव के साथ फिर फर्स्ट हाफ कुछ मुझे कुछ नहीं बताया था कि तो चेंज होगा, प्रिपेयर हो। जस्ट सेकेंड हाफ जब फर्स्ट हाफ हुआ तो प्लेयर्स में जो भी 11 प्लेयर्स जो खेल रहा है वो ड्रेसिंग रूम में गया, तो असिस्टेंट कोच आके मुझे बताया कि अमरजीत प्रिपेयर कर, तो अंदर जाना है। तो मैं सोचा मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है मैं क्या करूंगा, वार्म अप भी बस जस्ट जॉगिंग कर रहा हूँ, जैसे कि नॉर्मल ट्रेनिंग में और प्रैक्टिस में जैसे वार्म अप करता है तो अंदर से एक दिमाग से आता है कि मैं ये करूंगा, मैं ये वार्म अप करूंगा, ग्रोइन, ये सब चीज प्रिपेयर होने के लिए। तो उस टाइम पे मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था मैं क्या वार्म अप करूंगा, मीन एक अंदर से एक वो नर्वस फीलिंग हो रहा था, नर्वसनेस। तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि मैं अंदर जाके क्या करूंगा, बस मैं सोच रहा था कि अभी मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है तो अंदर जाके मैं फाड़ दूंगा। जितना अंदर मेरा पावर है, मीन उनका प्लेयर्स स्ट्रॉन्ग, फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो मैं सोचा कि फिजिक्स से कुछ नहीं होता, अगर आपके अंदर मीन्स जो चीज अंदर जिगरा है, हिंदी में बोलता है ये सब चीज, जिगरा, जोश, ये सब चीज मैंने चंडीगढ़ में सीखा है, चंडीगढ़ फुटबॉल अकेडमी से। हम लोग पंजाबी लोग ज्यादा है। यस यहाँ से चलो चक्कर फटे, ये सब चीज मुझे याद आया तो चलो। तो फिर मैं ये सब सोचा कि अभी मुझे अमरजीत तुझे अभी चांस मिला है, एक गोल्डन चांस मिला है, ये चीज को आपको बार बार नहीं मिलेगा, कोच आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो बार बार नहीं मिलेगा। तो बाहर से भी सीनियर प्लेयर्स से मुझे मोटिवेट कर रहा था, अमरजीत कम ऑन, अभी तेरा टाइम आ गया, अभी तूने बहुत जो मेहनत किया है तो भगवान ने आपको देखा, तो आपको भी अभी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, इसको मत गवाओ, तो आज को मुट्ठी पे रखो और आप इसको आगे लेके जाने के लिए कोशिश करो। तो मैंने ये दिमाग में रख लिया। तो उसके बाद फिर जब अंदर गया, मुझे वार्म अप भी नहीं था, तो अंदर मेंटली वार्म अप हो गया, फिजिकली वार्म अप हुआ ना नहीं हुआ मुझे पता नहीं चल रहा, लेकिन मेंटली मुझे प्रिपेयर हो गया। मेंटली वार्म अप हो गया। तो उसके बाद फिर गया, फिर मैंने एंजॉय, गेम को एंजॉय किया। और हम लोग गेम रिजल्ट्स नहीं ले पाया लेकिन फैंस लोगों के लिए और कंट्री के लिए, लेकिन एवरी सिंगल प्लेयर्स ने मीन्स बहुत हार्ड वर्क और ओके गिव मीन्स 100% दिया है। तो सबसे जरूरी है कि अगर आप हारे या जीते 100% देना जरूरी है। मीन्स आप जब आप ग्राउंड के बाहर आते हो आपके अंदर लगना चाहिए आप जितना मेरे अंदर जो कैपेबिलिटी और है वो सब देखे है अंदर, मीन्स जितना भी एनर्जी है सब देखे है, एक वो चीज फीलिंग आना चाहिए। तो बहुत एंजॉय किया मैं मैच के बाद। मैंने सीनियर प्लेयर्स से मुझे बहुत इंकरेज किया और शाबाशी भी दिया कि बहुत अच्छा खेला और ऐसे कंटिन्यूसली और भी मेहनत करते रहना। तो बहुत अच्छा लगता है। तो कोई जो सीनियर नेशनल टीम प्लेयर आके बोला पास में कि हाँ यार अच्छा खेला, ये कर वो कर, या फिर किसी ने डांटा होगा फील्ड पे जब कुछ सही नहीं करना, तो कुछ नर्वसनेस तो काफी होगी क्योंकि। तो गेम के बाद कैसा था, किसी ने आगे कुछ बोला? ऑब्वियसली गेम हार गए थे अपन, क्यूरो साउथ 3-1 आ रहे थे शायद, 3-1 या 3-0 याद नहीं मुझे, बट 3-0 तो मैच के बाद 3-1 था आई गेस, याद नहीं। तो मैच के बाद प्लेयर्स लोग में सब मैच अच्छा मूड पे नहीं था, तो लेकिन अच्छा मूड फिर भी मुझे शाबाशी दिया मीन्स, मुझे आके बोला कि अमरजीत अच्छा खेला, ऐसे ही मीन्स खेलते रहना। तो मैं ऐसे एक प्लेयर का नाम नहीं ले सकता क्योंकि सब प्लेयर्स ने, एक टीम ने मुझे आके मीन्स शाबाशी दिया है। तो मीन्स सब प्लेयर्स जितना भी उस टाइम पे जो भी प्लेयर्स थे, सीनियर प्लेयर्स और मेरे नरेंद्र, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे इंकरेज किया है और मुझे प्राउड फील करवाया है कि तूने अच्छा खेला है। तो मैच के अंदर भी उसके पीछे ग्रुपी भाई, जिंगल भाई, अगर मैं कुछ मिस्टेक करता हूँ वो लोग इंकरेज करता है, मोटिवेट करता है कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ तो कोई बात नहीं, फुटबॉल है, फुटबॉल स्पोर्ट्स है, मीन्स एवरी फील्ड पे मिस्टेक तो होता ही है। तो ये सब चीज मुझे उन्होंने बहुत ज्यादा इंकरेज किया। तो बहुत ज्यादा मुझे एज ए यंग प्लेयर मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है कि सीनियर प्लेयर, एक्सपीरियंस प्लेयर में बहुत साल से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ कि मैं उनके साथ कब खेलेगा, उनके साथ कब डाइनिंग हॉल, ये सब रूम कब शेयर करेगा, मीटिंग हॉल, ये सब। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला है, तो उन्होंने भी बहुत ज्यादा इंकरेज किया है। तो आई एम वेरी हेल्पफुल हूँ और ग्रेसफुल भी हूँ कि उन्होंने बहुत ज्यादा इंकरेज किया है। तो सोशल मीडिया के थ्रू पे भी जब मैं इंजर हुआ, उनके सोशल मीडिया के थ्रू पे भी मुझे मैसेज आता है कि जल्दी से ठीक हो जाओ, आपको जल्दी वापस आना है। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है, वेरी ग्रेट। ट्रू, ऑब्वियसली लाइक मैं भी वही सोच रहा था कि कितनी यंग एज पे आप आए हो ना, कि इन जो प्लेयर्स के साथ खेल रहे हो उनको खेलते हुए देखा भी है, लाइक उनके फैंस भी एक तरीके से, और उस टाइम पे जाके कैप्टन भी था, मैं कर सकता हूँ, मैं नेशनल टीम में खेल भी सकता हूँ, तो काफी मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो किसने सबसे ज्यादा ईज इन करवाया नेशनल, कौन सा ऐसा प्लेयर था जिसने सारे नर्व्स काम डाउन करवा दिए, कहा कि यार तो चिंता मत कर? कौन सा ऐसा सीनियर प्लेयर था जिससे सबसे ज्यादा इंटरेक्शन हुआ? इंटरेक्शन मीन्स सबसे हुआ, मीन्स मेरे लिए सब इक्वल है, मीन्स सब एवरी, मैं ऐसे पॉइंट करके नहीं बोल सकता कि इस प्लेयर ने मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेट किया है, इंकरेज किया है, शाबाशी दिया है। मीन्स एवरी प्लेयर्स मीन्स मैं उनको बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ कि एवरी प्लेयर ने मुझे एक उनके अंदर दिखता है कि अमरजीत ग्राउंड पे खेले और अच्छा परफॉर्म करे, मीन्स सब प्लेयर्स के अंदर दिखता है। इवन दो मेरे पोजीशन में पूर्णा भाई है और थापा भाई है और भी बोर्जेस भाई है, मीन्स सीनियर प्लेयर्स में उनकी अंदर भी दिखता है, उनकी मीन फेस पे भी दिखता है कि अमरजीत अंदर जाके खेले। तो मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है कि मेरे सेम एरिया और सेम पोजीशन में भी वो लोग प्लेयर्स, सीनियर प्लेयर्स मुझे इंकरेज कर रहा है कि तू अच्छा खेलना है और टीम के लिए कुछ करना है, टीम के लिए मीन्स हेल्प करना है। तो वो सब चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि कोई प्लेयर होता है कि अगर वो प्लेयर मुझे मेरे पोजीशन में खेल रहा है तो मैं उसको क्या 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 कहता है मीन्स थोड़ा सा डाउट फील कराऊंगा, ये सब चीज। वो नेगेटिव माइंडेड वो प्लेयर्स मीन्स सीनियर प्लेयर्स के अंदर नहीं है, मीन्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव माइंडेड है। अगर मीन्स एक हेल्दी कंपटीशन है, मीन्स टीम के अंदर हेल्दी कंपटीशन है, एक भाई की तरह, छोटा भाई बड़ा भाई की तरह है। मीन्स टीम पे अगर कोई अच्छा करता है तो उसको इंकरेज करता है, अगर कोई बुरा करता है तो उसको कहता है कि आप ये चीज पे बेटर कर सकते हो। तो मीन्स एक टीम के अंदर हेल्दी कंपटीशन है, मीन्स कोचेज, स्टाफ, मीन्स बहुत ज्यादा मेडिकल स्टाफ मेरे लिए बहुत ज्यादा, मैं थैंकफुल हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे जब इंजर हुआ तो एवरी टाइम मुझे मैसेज करता है, मुझे कॉल करता है। तो आप क्या कर रहे हो अभी, क्या क्या आपका क्या शेड्यूल है, क्या अभी इवन दो अभी भी मुझे मैसेज करता है जी जी सर, अभी भी मैसेज करता है कि मुझे अभी क्या कर रहे हो, अभी आपकी कुछ प्रॉब्लम तो है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मुझे एक बहुत मैं जब नेशनल टीम में खेलता है तो एक प्राउड फीलिंग होता है कि अंडर 17 वर्ल्ड कप एक वो अलग स्टोरी है, लेकिन एवरी प्लेयर का मीन ड्रीम होता है कि आप सीनियर टीम के लिए कब खेलोगे। आई मीन छेत्री भाई लेजेंडरी, लिविंग लेजेंडरी, और उदंता भाई और जैकी भाई और बहुत सारे अमरिंदर भाई, संदेश भाई, में बहुत सारे प्लेयर्स है, तो उनके साथ खेलना तो मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी हूँ। मीन्स अभी यंग एज में उनके साथ ट्रेन करना, तो उनका हर एक बात जो एक्सपीरियंस तो हम डाइनिंग टेबल पे शेयर करता है, मीन्स क्या क्या किया उन्होंने क्या, तो बहुत ज्यादा मीन्स डाइनिंग हॉल में तो जब डिनर होता है या लंच होता है, मील खत्म होता है, उसके बाद भी हम लोग बात करता है कि छेत्री भाई बैठता है फिर हमको बताता है उनके एक्सपीरियंस क्या क्या था। तो बहुत हमको भी एक मजा अंदर से भी मजा आता है और एक मोटिवेट होता है कि छेत्री भाई हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है और इतना कुछ शेयर कर रहा है। तो खाने पीने का बहुत ज्यादा उन्होंने भी बहुत ज्यादा हेल्प की, ये खाना है और ये नहीं खाना है, तो बहुत ज्यादा एक प्राउड फीलिंग होता है कि उनके अंदर खेलना उनके साथ, तो मजा भी आता है साथ साथ में। I'm sure होता है obviously छेत्री मजा तो आएगा, obviously बात है। थोड़ा डर भी लगता होगा कि yes मेरे को लगता है क्योंकि डर तो लगता है अंदर से, जब डर को वो भगा देता है छेत्री भाई, क्योंकि उनके साथ खेलना तो मुझे अगर मेरे से कुछ पास उनको गलती से हो गया तो क्या चिल्लाएगा क्या बोलेगा ऐसे सोचता था। फिर उसके अपोजिट वो बोलता है उसके अपोजिट बोलता है कोई बात नहीं, अगर मिस्टेक हुआ तो हुआ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम उसको बेटर करने के लिए और अच्छे करने के लिए करो। मीन्स एक जो हमने सेम चीज और बार बार मिस्टेक किया है, तो फिर हर एक इंसान के अंदर आता है कि आप हर एक जो सेम चीज को बार बार मिस्टेक कर रहे हो, तो मीन्स एक फ्रस्ट्रेट भी होता है। मीन्स छेत्री भाई वो लोग बोलता है कि कोई बात नहीं, मिस्टेक होता है, अभी आप लोग यंगस्टर हो, मीन आप इतना एज में, अब यंग एज में आप इस लेवल पे आए हो, बहुत ज्यादा आपके लिए प्राउड फील है और आपकी जो मेहनत किया है उसका भी पेड ऑफ है। तो वो ऐसे मोटिवेट करते, तो हमको भी इंजॉय करता हूँ कि उनके हर एक बातें, हर एक एक्सपीरियंस, प्री प्लेयर्स का जो उनका एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो बहुत ज्यादा इंजॉय भी करता हूँ। और जैसे मेनली मुझे बहुत मन करता हूँ कि कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ बैठ के बात करना, उनका मीन्स जो पुराना बातें और उनका एक्सपीरियंस शेयर सुनना, तो बहुत ज्यादा उस चीज को मैं एंजॉय करता हूँ। अच्छी बात है। आप मेरे को ये बताओ कि अभी क्या कर रहे हो इन दिनों? अभी मैं मॉर्निंग 6 o'clock में मेरा वर्कअप टाइम है, तो उसके बाद फिर फ्रेशन अभी वगैरह फिर सब होके फिर मैं योगा करता हूँ। और अभी तो रनिंग के लिए नहीं जा सकता, पहले तो थोड़ा बहुत मॉर्निंग को रनिंग जाता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा फील होता है कि अगर मॉर्निंग आप वॉकिंग के लिए जाते हो तो आपके अंदर फ्रेशनेस आता है। तो मीन्स पूरा दिन आपके लिए मीन अच्छा फीलिंग होता है, तो ग्रेट फीलिंग। फिर मैं योगा मेडिटेशन करता हूँ और थोड़ा सा मीन्स इवनिंग में लंच करके फिर ब्रेकफास्ट के बाद मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ बुक्स रीड करने के लिए। स्पेशली मैं मेरा मणिपुरी जो मैते में एक है, तो वो चीज़ मैं देखता हूँ कि पुराना जो स्टोरी है मैं उनको देखता हूँ, तो मुझे एक एंजॉयमेंट आता है उससे। मुझे एक फीलिंग अच्छा फीलिंग आता है कि मणिपुर में इतना अच्छा कुछ चीज है बहुत ज्यादा, तो उस चीज को मैं फिर रीड करके तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फीलिंग होता है। फिर उसके बाद फिर लंच के बाद फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ। फिर इवनिंग को थोड़ा फिजिकल वर्क, अभी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, तो फिर थोड़ा अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा फिजिकल वर्क और बॉल के साथ थोड़ा सा करता हूँ। तो फिर उसके बाद फिर 8 PM डिनर, फिर 10 o'clock में 10:30 के अंदर सोने के लिए कोशिश करता हूँ। तो 8 hours के एडवर्स सोने के लिए कोशिश करता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब मॉर्निंग को 8 आवर्स सो के उठते हो तो मीन्स एक अच्छा फीलिंग। और मॉर्निंग को थोड़ा सा वॉक तो एक फ्रेशनेस भी आता है। जिस दिन मैं थोड़ा सा लेट उठूँ या 7 या 8 तो एक फीलिंग अच्छा मीन्स वो फीलिंग नहीं आती जैसे कि मैंने 6 o'clock जो के टाइम पे जो उठता है वो फीलिंग और 7 o'clock 8 o'clock वो फीलिंग नहीं आता। तो जहाँ पे मैं जमशेदपुर में भी मैं वहाँ पे एक मेरे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी थी वहाँ पे जमशेदपुर में मेनली क्योंकि आप वहाँ पे जहाँ पे हम लोग फ्लैट रहता है उसके जस्ट नीचे ग्राउंड है, जिम है, स्विमिंग पूल है। तो मॉर्निंग को ग्राउंड पे थोड़ा सा वॉक करता हूँ क्योंकि वहाँ पे ग्रीनरी एरिया है। तो बहुत मीन्स वो जगह मैं एंजॉय करता हूँ। एंजॉय मीन्स फुटबॉल के एटमोसफियर और जहाँ पे मुझे वो चाहिए वो वहाँ पे मिल रहा है। मीन्स बहुत मैं लकी हूँ कि ऐसे क्लब है मैंने ज्वाइन किया है। और वहाँ पे आप मॉर्निंग और इवनिंग आप स्विमिंग पूल जा सकते हो, वहाँ पे आपके पास सब कुछ है, जिम है और ग्राउंड है। तो मेरे एक मैं यंग प्लेयर्स के लिए जो जिसको फुटबॉल के अंदर ज़्यादा वो है मीन्स ईगर है कि आप कुछ बनने के लिए कोशिश करिए तो वहाँ पे बेस्ट है। वहाँ पे फैसिलिटीज, खाना पीना मीन्स वहाँ पे बेस्ट मिल रहा है। हाँ यस तो आप वहाँ पे अच्छा मीन्स टाइम पास के लिए मीन्स वहाँ पे टीटी भी है, पूल भी है और कैरम बोर्ड ये सब चीज भी है। मीन्स आप टाइम पास कर सकते हैं वहाँ पे। लेकिन ट्रेवलिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है लेकिन वो यूज्ड टू हो गया। जमशेदपुर में प्रॉब्लम है नो डाउट। मैंने भी सुना है जमशेदपुर के बारे में, मैं कभी गया नहीं वहाँ पे बट मैंने सुना है। मुझे पूछना भी था इस बारे में। जरूर आता हूँ मैं, तो मुझे कॉल करना कॉल करता हूँ मैं, आप मेरे को घुमाना फिर जमशेदपुर में। यस जरूर भाई जरूर। मैं यही पूछने वाला था कि जमशेदपुर जब ज्वाइन किया था ऑब्वियसली लाइक पूरा एज ग्रुप जो था आपका आप लोग सब पिछले 1 साल में आईएसएल क्लास में खेलना शुरू कर दिया, प्रोफेशनली खेलना शुरू कर दिया है ऑलमोस्ट सब ने किसी ना किसी लेवल पे, आई लीग लेवल पे, आईएसएल लेवल पे। तो जमशेदपुर का जब कॉल अप आया था, जमशेदपुर का जब पता लगा कि हाँ इंटरेस्टेड है, तो वो कैसा था और कौन से क्लास इंटरेस्टेड थे और जमशेदपुर क्यों चुना आपने? बहुत सारे क्लब वर्ल्ड कप के बाद बहुत सारे क्लब्स आए मीन्स नॉर्थ ईस्ट और एक और 2 क्लब को छोड़ के सबसे ऑफर आया। तो मैंने सोचा कि जमशेदपुर के बारे में मैंने भी पहले दना पे वहाँ पे था तो मैं जाने से पहले वहाँ पे दना भाई, राजू भाई तो उनसे भी मैंने पूछा कि वहाँ जमशेदपुर में कैसा है मीन्स वहाँ पे फैसिलिटीज मीन्स स्पेशली मुझे क्या चाहिए मीन्स एक अच्छा ग्राउंड चाहिए, अच्छा फैसिलिटी जैसे कि एक फुटबॉल प्रोफेशनल प्लेयर को जो नीडेड है मीन्स क्या फैसिलिटी चाहिए एक प्लेयर के लिए। तो मीन्स मुझे लगा कि जमशेदपुर में बेस्ट होगा मेरे लिए। और जैसे कि दना भाई और राजू भाई भी है तो वहाँ पे उनसे भी मैंने पूछा कि आप वहाँ पे कैसे मीन्स रहने का एकोमोडेशन ये सब फैसिलिटीज मीन हर एवरी मीन्स क्लब से मीन जहाँ पे मणिपुरी सीनियर प्लेयर्स खेलता है और तो मैं उनसे पूछता हूँ, दोस्त खेलता है मैं उनसे पूछता हूँ कि क्लब के बारे में। और मीन ज़्यादा अगर आपको ट्रेनिंग और मैचेस आपकी फैसिलिटीज वहाँ पे अगर अच्छा है तो मेरे लिए भी मीन्स एक फ्यूचर के लिए भी एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए मैं बहुत जो हेल्पफुल चीज है मीन्स जहाँ पे मैं कोई क्लब में भी जा सकता हूँ कि वहाँ पे मैं जस्ट एंजॉय कर क्लब को एंजॉय करने के लिए अगर वो चीज दिमाग पे अगर आ गया तो फिर मेरे फ्यूचर में भी वो डिस्ट्रॉय कर सकता है जो मैं एम कर रहा हूँ, टारगेट के लिए मैं एम कर रहा हूँ। तो वो सब मुझे शायद नहीं मिल सकता है। तो मैं सोचा कि वहाँ पे बेस्ट सब कुछ बेस्ट है, ग्राउंड है, जिम है, स्विमिंग पूल है, सब कुछ है। तो मैं वहाँ पे ज्वाइन किया और बहुत ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट सब वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा है, कोचेस भी अच्छा है, वहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ अभी। अच्छी चीज सुनी है मैंने जमशेदपुर के बारे में बहुत, लाइक मैंने आज तक जितने भी लोगों से सुना है जमशेदपुर के बारे में टॉप लेवल से लेके फुटबॉल टीम तक हर जगह का मैनेजमेंट एकदम स्पॉट ऑन है, सीरियस है काफी फुटबॉल क्लब को लेके। आपके पास ट्रेनिंग फैसिलिटी है, लॉजिंग फैसिलिटी, शायद एक लौता क्लब है जिसकी स्टेइंग फैसिलिटी भी है। तो वो सब ऑब्वियसली फैक्टर्स हैं। मुझसे काफी फैंस कमेंट में आपसे पूछ चुके हैं कि आपने कभी यूरोप में आके खेलने का सोचा है कि नहीं, तो मैं पूछ लेता हूँ कि कभी सोचा है और कभी इंटरेस्ट आया है उस बारे में कि नहीं? पता है मेरे को बहुत मारेंगे। मींस एवरी इंडियन प्लेयर्स का भी ड्रीम होता है कि अगर बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा मींस बाहर जाने के लिए और बाहर के क्लब्स में मींस जो बेस्ट क्लब्स में खेलने के लिए अपॉर्चुनिटी मींस मेरे अंदर भी है, लेकिन मैं पहले सोच रहा हूँ अगर मैं यहाँ पे इंडिया पे एक बेस्ट प्लेयर बनेगा फिर मैं कुछ बोल सकता हूँ कि ये प्लेयर इंडिया का बेस्ट प्लेयर है वहाँ पे जो आया है। मीन जस्ट यहाँ पे ILeague ISL के वहाँ पे गया तो फिर उनको लगेगा कि बस ये नेशनल टीम, इवन नेशनल टीम में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ये प्लेयर, बस ILeague और क्लब से खेल के वहाँ पे आ रहा है। तो मेरे लिए भी एक वो चीज़ आता है कि मैं इंडिया पे कितना कौन से लेवल पे हूँ, मीन्स वो साफ पता चलता है कि उस चीज़ पे। अगर आप नेशनल टीम में बेस्ट प्लेयर हो और आप यहाँ पे एक हेल्दी कंपटीशन देने के लिए यहाँ पे रेडी हो, आपके पोजीशन में आप फुल 100% दे रहे हो, आप बेस्ट हो उस पोजीशन में, तो मैं जहाँ पे भी मैं जाऊँगा तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल के लिए चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर इंडिया का बेस्ट प्लेयर है तो वहाँ पे जाके आपका मीन्स लेवल पे हाई होता है। तो अगर आप अपने आप ही एक मोटिवेट होता है मैं इंडिया का बेस्ट प्लेयर हूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों को कम्पीट करने के लिए आया हूँ और आप लोगों को मीन्स कम्पिटिशन, हेल्दी कम्पिटिशन आपको मीन्स टक्कर देने के लिए आया हूँ। तो ये सब चीज उनके फॉरेनर्स प्लेयर के दिमाग में भी आएगा। अगर मैं यहाँ पे जस्ट ISL के वहाँ पे गया तो उनको लगेगा बस ये तो क्लब प्लेयर है, बस इन्होंने इंडिया का भी रिप्रेजेंट नहीं किया है। तो ये सब चीज भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ पहले इंडिया पे एक बेस्ट प्लेयर बनने के लिए कोशिश कर रहा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप इंडिया पे बेस्ट प्लेयर है तो अपॉर्चुनिटी आपको मीन्स हर एक क्लब आपको ऑफर करेगा। अगर आप इंडिया पे क्लब लेवल पे खेल रहे हो और आप नेशनल टीम में भी रिप्रेजेंट नहीं कर सक रहे, फिर आपको बाहर जाने के सोच रहे तो आपको गलत ट्रैक पे जा रहे हो। अगर पहले आपको होना चाहिए कि आप इंडिया का बेस्ट प्लेयर बने, उसके बाद फिर आप बाहर चले। तो मैं मैं मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी बाहर जाना है, जैसे कि छेत्री भाई ने भी बताया, मीन उनके लाइफ में भी बताया, उनके स्टोरी में भी बताया कि मीन अभी अंडर 18 या 16-17 ईयर्स में आप बाहर जा सकते हो। तो आपके लिए 5-6 ईयर्स में करियर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे। तो वो सब चीज़ में देखता हूँ छेत्री भाई क्या बोल रहा है और इवन कोई सीनियर क्या बोल रहा है, उनका एक्सपीरियंस क्या बता रहा है। तो मैं देखता हूँ, उनको सब चेक करता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वो लोग क्या मीन्स अपने क्या सोचता है अपने आप को, मीन्स अपने आप के अंदर क्या एक्सपीरियंस है। तो ये सब चीज मैं देखता हूँ। तो डेफिनेटली मैं मेहनत कर रहा हूँ, मीन्स मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे भी बाहर जाना है, बाहर खेलना है। तो मेरे इंडिया अगर बाहर खेलूँ, यूरोप पे खेलूँ या कोई भी कंट्री में अच्छे क्लब में खेलूँ तो इंडिया के लिए भी अच्छा है, क्योंकि मैं वहाँ पे हेल्दी कंपटीशन और बेस्ट दूंगा और वहाँ पे एज अ मेन प्लेयर वहाँ पे खेलेगा। तो जब मैं इंडिया आऊँगा, नेशनल टीम के लिए खेलूंगा, तो टीम को आगे लेके जा सकता हूँ। और मेरे जो यंगस्टर आ रहे हैं, मेरे जो जूनियर्स आ रहे हैं, तो मैं उनको मेरे एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। आप लोग वहाँ पे वो जगह पे जाना चाहिए, मीन्स वो मीन्स जो रोड मैप मैं उनको बता सकता हूँ। तो होपफुली जल्दी से टाइम आएगा अपना टाइम आएगा एक्चुअली छेत्री भाई था, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था एक बार और उनसे एक क्वेश्चन पूछा था कि यूरोप या जब आप बाहर खेलने गए थे स्पोर्टिंग कैंसस, तो क्या लगा था उस टाइम पे? तो उनका कैंसस का एक्सपीरियंस यही था कि यार मैं 3 सीजन बड़ा अच्छा गया मेरा और मुझे लगा कि मैं स्टार्ट, और फिर वहां पे उनको चांस नहीं मिला बिल्कुल खेलने के लिए। तो उन्होंने कहा मैं नेशनल टीम के लिए भी नहीं खेल पाऊंगा, तो वापस आ गए। बट स्पोर्टिंग में जो उनका एक्सपीरियंस था वो अलग था। स्पोर्टिंग में वो कह रहे थे कि मैं फर्स्ट टीम में जब गया तो मेरे को एक हफ्ते में कोच ने बोल दिया कि फर्स्ट टीम लायक नहीं है तो सेकंड टीम पे चले जा। और छेत्री भाई वाज लाइक आप सही कह रहे हो, बिल्कुल मैं फर्स्ट टीम के लायक नहीं हूँ। सेकंड टीम में भी हालत खराब हो गई। तो उनको जब रियलाइज हुआ कि हाँ यार मैं थोड़ा पहले आता ना तो सही रहता मेरे लिए। इसलिए शायद सारे जो फैंस पूछते हैं ना क्वेश्चन आपसे और बाकी यंग प्लेयर्स से, वो इसलिए है शायद क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि यार हमारा प्लेयर अभी चले जाए, बट आपने जो कहा वो बात बिल्कुल सही है। तो मींस एज मींस यंग एज पे आप मींस बेस्ट बेस्ट दे सकते हो इंडिया के लिए, तो आपकी मींस आपके ऊपर है। अगर आप मेहनत कर रहे हो मींस वो चीज डेडिकेशन ये सब चीज सही है, सेक्रीफाइस चाहिए वो चीज वो पाने के लिए। अगर आप यंग एज पे आप इंडिया के लिए बेस्ट प्लेयर हो तो आप जल्दी से बाहर जा सकते हैं। अगर मीन यहाँ पे कुछ टाइम नहीं है फुटबॉल मीन्स अभी अंडर 17 वर्ल्ड कप प्लेयर्स में यूरोप पे मीन्स प्रीमियर लीग खेल रहा है, बुंदेसलीगा खेल रहा है, क्योंकि कुछ फुटबॉल के में कुछ टाइम नहीं है। मीन उन्होंने उनका क्वालिटी डिपेंड होता है उनका क्वालिटी पे मीन्स इस पे एज 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 टाइम एज मीन्स जैसे कि अंदर 21 अंदर 21 है, अंदर 18 अंडर 19 है, वो चीज मायने नहीं रखता। अब जो मायने रखता है आपका क्वालिटी, अगर आपका क्वालिटी बेस्ट हो तो आप इवन भी आप अंडर 16 हो आपका क्वालिटी बेस्ट हो मीन्स एवरी सीनियर प्लेयर्स और कंट्री में आप कॉम्पीट कर सकते हो, तो आप बेस्ट हो तो फिर आप बाहर जा सकते हैं। फिर वो चीज चाहिए एवरी प्लेयर के अंदर। तो बहुत सारे फैंस लोग चाहते हैं कि हमारे इंडिया प्लेयर कब बाहर खेले, तो फिर वो जब खेलने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जो यूरोप प्लेयर्स उनको जो कंपटीशन देने के लिए उस लेवल पे आपको आना पड़ेगा। अगर नहीं है तो फिर आप बस इंडिया पे आपको कैरियर ही बनाना ही पड़ेगा। ये बात भी है। इगोर स्टिमैच में ऑब्वियसली आपको डेब्यू किया, तो उनके अंडर खेलना कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक आपका? ऑब्वियसली बीच में हाथ का फ्रैक्चर हुआ था, वो बहुत अनफॉर्चुनेट था, और खेल सकते थे जो खेल नहीं पाया, बट ऐसा नहीं है कि गाड़ी तो बहुत यंग हो अभी और खेलने को मिलेगा, बट उनके साथ खेलना कैसा है? उनके साथ खेलना बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जैसे भी मैं आपको पहले भी बताया था कि यंगस्टर को मीन चांस देने का, अगर वो परफॉर्म करता है चांस देने के लिए रेडी है वो, मीन उनको डर नहीं लगता कि अगर ये प्लेयर जैसे कि नरेंद्र ने गोल किया है, फिर जो मेन चीज मीन डिफेंडर पे मीन प्लेयर्स इंजर्ड है, तो उनको डर नहीं था कि नरेंद्र डालेगा तो टीम के लिए भी बुरा होगा। उनको ऐसे नहीं सोचता, वो बिल्कुल ही ऐसे नहीं, वो सब पॉजिटिव चीज सोचता है कि अगर नरेंद्र डालेगा तो वो प्लेयर अपने पोजिशन में बेस्ट देगा, और उन्होंने करके भी दिखाया कि उन्होंने गोल भी किया और मैन ऑफ द मैच भी मिला है उनको। फिर मैं उनको बोला कि भाई ट्रीट देने के लिए दिया, ट्रीट भी दिया उन्होंने, परफॉर्म भी। मीन एक प्लेयर के अंदर आप कोच आपको मीन मोटिवेट कर रहा है आपको खेलने के लिए, आप जिस पोजीशन जो मेन पोजीशन है तो आपको वो दे रहा है, आपको मीन्स लीडरशिप। मीन प्लेयर जो आपके साथ सीनियर प्लेयर्स खेल रहा है तो उनके साथ खेलना मेन पोजीशन पे, तो आपको बहुत ज्यादा मेंटली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर वहां से आप कुछ सिली मिस्टेक करते तो बस अभी फुटबॉल का क्वालिटी, अगर आप थोड़ा सा सिली मिस्टेक करते तो पीछे गोल। तो ये सब चीज ये उन्होंने भी कोच ने भी उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, उनको बिलीफ और शाबाशी बहुत ज्यादा दिया, इंकरेज किया उनको कि वो पोजीशन में वो बेस्ट दे, तो उन्होंने भी करके दिखाया। नरेंद्र ने बहुत ज्यादा अच्छा गेम उसने खेला है, तो उनके अंदर खेलना बहुत ज्यादा लकी है। तो मैं उनके अंदर 5 मैचेस खेल चुका हूँ, और बहुत सारे फैंस लोग मुझे ट्रस्ट करता है कि मैं उस पोजीशन में खेल सकता हूँ। मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ, उन्होंने बहुत सारे लव और सपोर्ट्स किया है, तो मैं उस पे वो आराम से बैठ के, वो अगर आप 5 मैचेस खेल रहे हैं तो आप उस पोजीशन पे आप आराम से नहीं बैठ सकते, क्योंकि अभी बहुत सारे प्लेयर्स है, यंगस्टर प्लेयर्स भी है और सीनियर प्लेयर्स भी है, क्योंकि एक अंदर बहुत ज्यादा हेल्दी कंपटीशन है। तो अगर आप वहाँ पे कुछ आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया थोड़ा सा फ्रैक्शन, तो आप नेक्स्ट मैच पे आपको नहीं डालेगा, क्योंकि मेरे पीछे बहुत सारे प्लेयर्स लोग हैं वो पोजिशन में आने के लिए। तो एवरी ट्रेनिंग सेशन पे हम लोग 200% मीन्स 200% देते हैं, क्योंकि मैच में एवरी प्लेयर का मन के अंदर दिमाग के अंदर मुझे ये होता है कि मुझे गेम खेलना है इंडिया के लिए, इंडिया को मुझे हेल्प करना है और आगे जाने के लिए, ये सब चीज प्लेयर के अंदर चीज है। तो फिर बहुत ज्यादा कंपटीशन है गेम के अंदर, और एवरी पोजीशन आपके लिए फिक्स नहीं है, उस चीज के लिए आपका आप उस पर आप रेगुलरली खेलना चाहते हो तो फिर स्पेशली मैं आफ्टर इंजरी के बाद फिर मैं आराम से नहीं बैठ सकता कि मैं 5 मैचेस कोच के अंदर खेल चुका हूँ, कोच मुझे ट्रस्ट करता है, बिलीव करता है, मुझे प्यार करता है, मुझे अच्छे से बात करता है। तो अगर मैंने ऐसे ये चीज दिमाग में रख लिया तो मेरे फ्यूचर, मेरे करियर में, इंडियन फुटबॉल के करियर में मैं शायद आगे नहीं जा पाएगा। तो मुझे उस चीज के लिए डबल मेहनत करना पड़ेगा, वो चीज जाने के लिए, वहाँ पे मैं रेगुलरली खेलने के लिए। तो मेहनत भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हर एक पोजीशन, हर एक आप कंफर्ट जोन में तो आपको बस आपके जॉब गया। वो तो है, वो तो यहाँ पे कुछ कंफर्ट जोन नहीं है, आपको आ रहा हो तो कंफर्ट जोन जाना ही पड़ेगा आपको। बहुत ज्यादा अभी बहुत ज्यादा हेल्दी कंपटीशन आ रहा है, जैसे कि अंडर 17 वर्ल्ड कप प्लेयर्स भी आ रहे हैं। तो मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि और भी प्लेयर्स आए हैं, क्योंकि जो हमने अंडर 17 वर्ल्ड कप की बैच, अभी लांगलिंग माविया आ रहा है और जैक्सन आ रहा है। तो बहुत अच्छा फीलिंग करता हूँ कि और भी बहुत सारे प्लेयर्स, सुरेश आए, बोरिस आए, निंथो आए और प्रभसुकन आए, मीन्स जितना भी, और भी संजीव है, तो मैं बहुत सारे जितू, ये सब चीज अगर आ गया तो मैं जैसे पुराना फैमिली मैं सोचूंगा कि वो पुराना फैमिली फिर से आ गया हम, फिर तो अब तो कुछ कर सकता है, अभी भी करते आ रहा है, फिर वो और भी ज्यादा करने के लिए मीन्स मैं उनसे भी मैं बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहा हूँ। मैं बात करता हूँ कि आपको भी आना है, नवाज धीरे धीरे से आ गए, नवाज को मैं बोलता हूँ नवाज जल्दी से आ जाए यार। तो बहुत मीन्स मैं उनको उनके लिए इक्वली मैं वेट कर रहा हूँ सबके लिए। तो अच्छा, अभी ISL में भी अच्छे अच्छे मैचेस खेल रहा है अनिके, हमारी टीम में अनिके, जीतू, नरेंद्र और भी टीम में सुरेश भी अच्छा कर रहा है। तो और भी प्लेयर्स खेलने के लिए मैं उनको विश देता हूँ उनके फ्यूचर में भी हम जल्दी से मिले। तो बहुत 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 ज्यादा एंजॉय करेगा उनके साथ। चलो बढ़िया है, अच्छा लगा मुझको जान के कि एटलीस्ट आप लोग एक दूसरे को बैकअप करते हो। मुझे जैक्सन के बारे में बताओ, जैक्सन कजिन है। जैक्सन के बारे में मुझे एक चीज बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि जब मैं नेशनल टीम में जाता हूँ, सीनियर टीम में, जब नेशनल टीम में कॉल आया था उसके बाद फिर मैं वहाँ से जो कोचेस बताते हैं कि अगर आप ट्रेनिंग ये सब चीज में नोट करता हूँ कि मैं घर पे आके फिर मैं कर सकूँ, मैं उस चीज को फिर से रिवाइज करूँ, मैं वो ट्रेनिंग वर्कआउट ये सब चीज को तो मैं लेके आता हूँ। और जैक्सन भी रेडी रहता है कि मैं जो नेशनल टीम जो मेरे पास जो मैंने एक्सपीरियंस लेके आया है तो मैं उनको देने के लिए रेडी हूँ, वो लेने के लिए भी रेडी रहता है। क्योंकि कोई प्लेयर्स होता है कि बस ये तो नेशनल टीम से आया है तो जो भी ये करेगा हम अपना अलग करेगा, ये बस कुछ भी करने दो जो भी कर रहा है, क्योंकि ये जब प्लेयर के अंदर भी आता भी है ये चीज, वो चीज जैक्सन के अंदर नहीं आता। बस वो मैं जितना मेरे अंदर एक्सपीरियंस है तो वो बोलता है कि उनके अंदर दिखता है कि वो एक्सपीरियंस उनको भी बताओ, उनको भी आगे जाना है, हम दोनों एक साथ आगे जाना है। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छा लगता है, हम दोनों में जिम में और ग्राउंड पे हम दोनों एक ही साथ करता है कि नेशनल टीम में जितना मुझे जो एक्सपीरियंस, थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं लेके आया हूँ नेशनल टीम से, तो मैं उनको शेयर करने के लिए कोशिश करता हूँ। वो भी रेडी रहता है कि जो मैं उनको बता रहा हूँ वो मैं फुली फोकस, हम दोनों ट्रेनिंग में भी अगर हम दोनों एक साथ एक टीम में या एक क्लब में है तो हम दोनों ऑब्वियसली हम दोनों ही ट्रेनिंग करेंगे, क्योंकि हम दोनों को शुरू से पता है कि क्या इम्प्रूव करना है क्या नहीं करना है। तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मीन्स वो ऑलवेज मीन्स कुछ थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए रेडी रहता है। मैं उनसे भी बहुत ज्यादा सीखता हूँ कि कोई अच्छा चीज बोलता है तो मैं सीखता हूँ, और अगर बुरा चीज बोलता है तो हम लोग डिस्कस करते हैं क्या अच्छा कर सकता है इस चीज पे। तो फिर ये बहुत ज्यादा डिसिप्लिन भी है, क्योंकि अगर आप उनको मैच भी नहीं मिल रहा है तो वो अपना चुपचाप रहेगा, अपना काम करेगा, ग्राउंड 100% देगा, किसी से बाने करेगा कि मुझे ये मैच नहीं दे रहा है, ये कोच अच्छा नहीं, ये वो है कुछ, किसी को वो मीन्स वो ब्लेम नहीं करेगा, बस वो अपना हार्डवर्क करेगा अपना टाइम से हम दोनों अगर एक रूम पे है तो हम दोनों को पता है कब रेस करना है, कब बाहर जाना है। तो फिर जब वीकेंड आता है तो कब हम थोड़ा सा मूवी के लिए, थोड़ा सा साइट सीइंग के लिए जाना है। मीन्स हम दोनों को शुरू से ही एक कनेक्टेड वो चीज है। तो फिर बहुत ज्यादा इंजॉय मैं उनके साथ जब रूममेट हूँ एरोस पे, तो हम दोनों को पता है कि क्या करना है क्या नहीं, और खाना पीना हम दोनों एक साथ है तो मीन्स हम दोनों थोड़ा सा मीन्स शेयर करके बाहर से लेके आता है हेल्दी फूड, तो रूम पे भी बना के खाता है। तो बहुत ज्यादा हम दोनों के अंदर भी एक रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छा है, और हेल्दी कंपटीशन भी है। एक दूसरे को सपोर्ट करता है, एक दूसरे को इंकरेज करता है, एक दूसरे को पुश करता है कि आपको भी ऊपर आना है, आपको भी ऊपर आना है। एक दूसरे को पुल अप करता है कि खींचता है आगे एक साथ खेलने के लिए। तो बहुत एक ग्रेटफुल लुकिंग ऐसे मेरा एक कजन ब्रदर मुझे मिला है, तो बहुत ज्यादा अच्छा है। जैक्सन का केरला में एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि ऑब्वियसली वो केरला गया, आप जमशेदपुर गए। अब केरला एक बड़ा डिफरेंट क्लब है क्योंकि वहाँ पे इतने ही फैंस आते हैं और इतना हल्ला होता है, एक अलग ही टाइप का एटमोस्फेयर है। तो कुछ बात हुई थी आपकी जैक्सन से उसके बारे में कि हाँ यार जमशेदपुर का भी फैन सपोर्ट बहुत अच्छा है और केरला का भी फैन सपोर्ट? और बात हुई थी जैक्सन से कि हाँ केरला कैसा है, क्या कहा था उन्होंने? केरला मीन्स उनको बस गर्मी का थोड़ा सा प्रॉब्लम बाकी बोल रहा है एक नंबर है बोलता है। मीन्स वहाँ के लोग बहुत ज्यादा अच्छा है, वहाँ के मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट सब, फिजियो मीन्स कोचेस लोग और स्टाफ मीन्स बोलता है वहाँ पे बहुत अच्छा है। इंसान भी मीन्स वहाँ के लोग बहुत ज्यादा मीन्स डाउन टू अर्थ है, बहुत ज्यादा अच्छा है बोलता है। केरला के लोग ऐसे स्पेशली मैंने केरला के लोग अनाज भाई, राहुल, हमारा राहुल और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो मैं उनके साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। राहुल स्पेशली राहुल बहुत हम्बल, बहुत मीन्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। किसी को अगर कुछ चाहिए वो फर्स्ट वो आता है कि मैं हेल्प करूंगा, उनके अंदर ये चीज है। तो वो जैक्सन मुझे बताता है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा फैंस लोग भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, और इसमें थोड़ा सा कि फैंस नहीं आने लगा तो वो बोलता है कि फिर भी जब वो डर्बी मैच होता है बेंगलुरु ये सब उनके साथ, तो फिर वो बोलता है कि मैसेज आता है कि ये मैच जीतना है। तो उनको भी एक कोच भी उनको बोलता है कि मैचेस ये सब जरूरी है हमारे लिए भी, मैच जीतना है। तो उनको भी एक अच्छा फीलिंग आता है वहाँ पे रहने का। ये सब चीज मुझे शेयर करता है कि वहाँ पे अच्छा है। तो वो भी अगर उसका भी लास्ट सीजन है केरला में और मेरा भी जमशेदपुर में लास्ट सीजन है, तो मैं भी जमशेदपुर में ही कंटिन्यू करना चाहता हूँ और देखते हैं फ्यूचर में। तो अभी तक के लिए तो मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ, एक अच्छा हूँ। जैक्सन भी बोलते हैं वहाँ पे भी बेस्ट है, अच्छा है, वहाँ पे भी वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो अभी फ्यूचर में तो बस मेरे अंदर तो बस कंटिन्यू करना चाहता हूँ, लेकिन फ्यूचर में देखते हैं क्या आता है क्या नहीं। तो फ्यूचर लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो दोनों एक साथ एक क्लब में एक साथ खेलेगा और वो पोजीशन में हम दोनों खेलेगा क्योंकि हम दोनों का अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है। तो वो पोजीशन में हम दोनों खेलने के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क चाहिए, और हम दोनों को मीन्स अंदर पहले से पता है कि वो पोजीशन में हम दोनों क्या करना है, एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करना है। मैं कह रहा हूँ सेम शहर में हूँ और मैं आपसे लाइव पे बात कर रहा हूँ, बोलो क्या करती है लॉकडाउन में। यस भाई, वो तो जहाँ पे मीन्स मेरे नेबर पे लोग रहता है, मैं उनसे भी मिलने के लिए वो टाइम नहीं मीन्स मना, मैं भी लॉकडाउन है तो मैं घर पे लॉकडाउन करके रहना है, तो मैं डिफिकल्ट हो रहा हूँ उनसे भी मिलने के लिए। बस सोशल मीडिया पे फोन पे बात करता हूँ उनसे, जैसे कि आप हम दोनों वीडियो चैट कर रहे हैं, बस ऐसे ही कर रहा हूँ उनके साथ। चलो यार अमरजीत, आपसे बात करके मैं बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच भाई, आपसे भी बात करके मैंने बहुत एंजॉय किया है, और बस एक की सिटी में रहते हुए भी हमको पता नहीं चला। बोलो जाने से पहले ना एक काम करो, आप लोगों को 3 मूवीज बताओ, मूवीज या शो कुछ भी बता दो देखने के लिए, 3 चीजें। मैंने अभी रिसेंटली मोहम्मद अली का देखा है, अमेजिंग, वो उस पे अमेजन प्राइम पे देखा है मोहम्मद अली का। Okay. और उसके बाद फिर मैं टोनी क्रूज को देखा है और बहुत बहुत अच्छा है। और अभी ब्राजील का मीन्स वो उसका नाम तो बोल गया, एक शो भी देखा था फुटबॉल का, ब्राजील वाला। हाँ, ब्राजील वाला मीन वो ऑल इन वन, ब्राजील वो ऑल और नथिंग शायद, वो कोपा अमेरिका वो तो वो मैंने वो देखा है। वो मीन्स काफी मोहम्मद अली बहुत अच्छी चीज है। और टोनी क्रूज को भी वो मीन्स अपने शो को मीन्स बहुत ज्यादा प्रिपेयर करता है, मीन्स क्या मीन्स उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अपना मीन्स की उसको मीन्स बहुत ज्यादा देखभाल करता है अपने आप को। तो बहुत हम एज ए यंग प्लेयर हमको भी सीखना चाहिए कि एज ए मीन्स बहुत सुपर स्टार प्लेयर मीन्स अपने बूट को धो रहा है, अपने बूट को मीन्स साफ कर रहा है, मीन्स देखभाल कर रहा है क्या। तो हमको भी उनसे बहुत इंस्पायर होता है कि हम लोग भी जब एक नीट एंड क्लीन, अगर आप जिस प्रोफेशन में जाते हो तो आप उस चीज में नीट एंड क्लीन होना चाहिए। बॉल मीन्स साइनिंग वाला शू होना चाहिए। अगर आपके पास पुराना शू भी है लेकिन आप उसको धो के अच्छे से, हमारे लिए वो भगवान जैसा मीन्स शू, हमारे फुटबॉल शू हमारे लिए भगवान जैसा है। तो उसको अच्छे से हम लोग नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि अगर गोल मारेगा तो उससे ही मारेगा आप। तो आप ऑल और नथिंग तो क्या नाम है, ऑल लास्ट डांस देखना आप। ओके, श्योर, मैं देखता हूँ लास्ट डांस देखना। ओके, द लास्ट डांस माइकल जॉर्डन का है, नेटफ्लिक्स पे है वो, देखना बहुत अच्छा है। ओके, थैंक यू, मैं उसको जरूर देखता हूँ। अमरजीत, थैंक यू सो मच, आप ध्यान रखो। थैंक यू ब्रदर, आपकी मदर भी ठीक है और उनकी हेल्थ और अच्छी हो जाए। यस, चलो, थैंक यू जॉइनिंग और थैंक यू गाइस। सी यू अमरजीत, बाय बाय। ओके, सी यू।